क्या दोस्तों, आप भी FCS सॉफ्टवेयर कंपनी का शेयर होल्डर हो तो कंपनी का जो है ना अभी भी मार्केट में पेनी स्टॉक के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है। तो कंपनी का दोस्तों कहा जाए तो रिटर्न देख लो, तो उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि इस स्टॉक को आपने बास्केट में रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए ना कि नहीं, देख लो दोस्त। तो यहाँ पर बेसिकली कहा जाए ना तो कंपनी का जो IPO आया था, IPO का प्राइस ही आज तक दोस्तों बीट नहीं कर पाया है। पर उसके बाद भी दोस्तों 40 पैसे तक गया था दोस्तों स्टॉक, पर यहाँ से दोस्तों अच्छा खासा ब्रेक किया है। देख सकते हो कंपनी का 5 ईयर का रिटर्न 2000 पर दोस्तों कहा जाए तो 2000% नहीं, इससे भी ज़्यादा हुआ था स्टॉक का प्राइस। देख सकते हो यहाँ पर 25 पैसा हुआ था, स्टॉक का प्राइस गिरा था। तो मान लेते हैं हमने 25 पैसा दे के एक शेयर को खरीद लिया था इस कंपनी का, तो इसका हाई कहाँ तक गया था, दैट मीन्स यहाँ पर कहा जाए तो 7 रुपीज़ 60 पैसा तक गया था। मान लेते हैं कि 7 रुपीज़ 50 पैसा तक गया था कंपनी का स्टॉक का प्राइस। तो यहाँ पर कहा जाए ना तो उसको अगर 25 पैसे से डिवाइड कर दिया जाए तो आप खुद ही रिजल्ट निकाल लेना कि कितना परसेंट दिया है, ठीक है। पर वापस तो स्टॉक गिर गया, क्या करे, कुछ करने का तो है नहीं। पर मुझे नहीं लगता कि यह स्टॉक बाउंस बैक कर पाएगा। तो आपका क्या राय है ज़रूर कमेंट करना दोस्तों।